इस वीडियो में आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से नंबर सिस्टम के ऊपर इस टाइप क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन और पेपर के भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ तिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। स्मार्ट तरह की कॉम्पिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। तो चलिए फर्स्ट ट्रिक क्या है देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है देख लेते हैं, उसके बाद उस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जो कि इस टाइप क्वेश्चन का आंसर किस तरह से बिना पेन और पेपर के आप निकाल सकते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं फर्स्ट। और यहाँ पर ट्रिक है जो कि मान लीजिए कि ए टू दी पावर एन जो कि डिवाइडेड है ए माइनस वन से, तो उस कंडीशन में देन जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जो कि वन होगा। और एक बार देख लीजिए, ए टू दी पावर एन जो कि डिवाइडेड है ए माइनस एन से, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो कि हमेशा वन होगा। और यहाँ पर एन जो कि कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, जैसे कि वन टू थ्री फोर, इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली इसी ट्रिक के मदद से आप इस टाइप क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कि 7 to the power 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर कह रहा है 7 to the power 19 प्लस 2 जो कि 6 से डिवाइडेड है, तो रिमाइंडर क्या है आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछे आज के SSC CPO 2005 के एग्जाम में, और यहाँ पर ऑप्शन दे गए हैं। तो देखिए दिया हुआ है 7 to the power 19 प्लस 2 जो कि डिवाइडेड है किससे, 6 से, और इसको लिख सकते हैं जो कि 7 to the power 19 प्लस 2 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 7 माइनस 1। तो अब ट्रिक क्या है देख लीजिए, ट्रिक है ए टू दी पावर एन अपॉन ए माइनस 1 है तो रिमाइंडर 1 है। और क्वेश्चन में देख लीजिए, ये हो गया ट्रिक, और क्वेश्चन में देख लीजिए ए टू दी पावर एन तो है लेकिन यहाँ पर प्लस 2 है और 7 माइनस 1 जो कि ए माइनस 1 भी है। तो सिंपली प्लस 2 को एट फर्स्ट इग्नोर कर लीजिए, मान लीजिए ए टू दी पावर एन ही है, यानी कि 7 to the power 19 अपॉन 7 माइनस 1 है, और इसको अलग से आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 6 लिख सकते हैं सिंपली। तो देखिए इस कंडीशन में ए टू दी पावर एन अपॉन ए माइनस 1, इस कंडीशन में रिमाइंडर 1, और प्लस जो कि यहाँ पर देखिए 2 अपॉन 6, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 2, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 1 एंड लास्ट में जो कि 2, तो रिमाइंडर 1 प्लस 2 जो कि 3, जो कि ऑप्शन सी 3 रिमाइंडर होगा आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में बिना पेन और पेपर किस तरह से निकालेंगे, तो एट फर्स्ट देखिए प्लस 2 है, प्लस 2 को एट फर्स्ट इग्नोर कर लीजिए जो कि प्लस 2 एट फर्स्ट ही रिमाइंडर हो गया आपका, फिर जो कि 7 to the power 19 अपॉन 7 माइनस 1 फॉर्मूला है जो कि रिमाइंडर 1 होगा, तो 1 रिमाइंडर, और जो कि प्लस 2 है तो 1 प्लस 2 जो कि 3, जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन और पेपर के भी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसी ट्रिक के ऊपर और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9 to the power 6 plus 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड हैव ए रिमाइंडर ऑफ, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो देखिए 9 to the power 6 plus 1 डिवाइडेड है 8 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो और एक बार ट्रिक को देख लीजिए जो कि 8 to the power n अपॉन ए प्लस 1 है, तो आप आसानी से कह सकते देन रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा जो कि 1 होगा। तो इस कंडीशन में देख लीजिए जो कि 9 to the power 6 plus 1 अपॉन 8 जो कि 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 9 to the power 6 जो कि 8 to the power n अपॉन a माइनस एन जो कि रिमाइंडर 1, एंड प्लस 1 है तो प्लस 1 जो कि 1 प्लस 1 जो कि रिमाइंडर 2 जो कि आपका आंसर। और इतना ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिंपली यहाँ पर देखिए 8 जो कि 9 माइनस 1 सोच लीजिए, और यहाँ पर 9 है, तो सिंपली 9 to the power 6 9 माइनस 1 इस कंडीशन में रिमाइंडर जो कि 1 है, और प्लस 1 है एक्स्ट्रा 1 है तो एक्स्ट्रा 1 ऐड कर लीजिए जो कि 1 प्लस 1 2 जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर। और इसी टाइप का ट्रिक जो कि मान लीजिए ए टू दी पावर एन अपॉन ए प्लस 1 है,
यानी कि ए टू द पावर एन ए प्लस वन से डिविजिबल है, उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, वेल इस ट्रिक को जानने के लिए आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए जो कि आप जानना चाहते हैं या नहीं, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी ट्रिक्स जानने के लिए।